इसराइल ने गाजा की ओर से हुए हमले के बाद साफ कह दिया था कि वो इस बार ऐसा हमला करेंगे कि होश उड़ जाए, पर किसे मालूम था कि होश के साथ साथ बिल्डिंग और घरों को भी उड़ा दिया जाएगा, पूरे नेटवर्क को पल भर में तबाह कर दिया जाएगा। इसराइल बेलगाम घोड़े की तरह हो चुका है और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए उसका एक एक कदम अब गाजा पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल ने पहले तो डिफेंस किया, अब वो अटैक के मोड में है। बता दें कि हमास की तरफ से जारी हमलों के बीच इसराइल की जवाबी कार्रवाई में शनिवार तक कम से कम 137 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 920 घायल हैं। वहीं हमास ने भी सुबह का आगाज रॉकेट दाग के किया और इसराइल के अशदोद शहर पर कई सारे रॉकेट दाग डाले। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल के हमले से बचने के लिए हजारों फिलिस्तीनी परिवारों ने उत्तरी गाजा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित स्कूलों में शरण ली है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसका अनुमान है कि इसराइल के हमले के बीच लगभग 10,000 फिलिस्तीनी गाजा में अपना घर छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि एनक्लेव पर इसराइल के हमलों से मरने वालों की संख्या 137 तक पहुंच चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अल जजीरा को बताते हुए अबेद राबू अल अत्र ने इजरायली सैनिकों द्वारा गाजा के बंकरों को बर्बाद करने का खौफनाक मंजर बयां किया। उन्होंने बताया कि हमें लगा हम लोग सारे मर जाएंगे। इजरायल ने सब कुछ पर बम बरसाए, वो भी लगातार। हमास का एक भी लड़ाका पूरे एरिया में नहीं था। मैंने एक से ज़्यादा लड़ाइयाँ देखी है, लेकिन यह एकदम निर्मम है। हालांकि इसराइली सेना के एक प्रवक्ता जोनाथन कॉर्नरिकस ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि हमने हमला सिर्फ बंकरों को तबाह करने के लिए किया था, किसी आम नागरिक को मारने के लिए नहीं। इस खूनी संघर्ष को ख़त्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई अंतर्राष्ट्रीय कॉल के बावजूद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास के हमलों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अपने देश में शांति बहाल करने के लिए वो इस लड़ाई को कुछ समय तक जारी रखेंगे। द यरूशलम पोस्ट के अनुसार इसराइल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के मेट्रो को निशाना बनाया था। कई किलोमीटर फैले इस टनल को इसराइल ने तबाह कर डाला। हमास सुरंगों के इस नेटवर्क का उपयोग गाजा पट्टी में आने जाने के लिए और इजरायली वायुसेना से बचने के लिए और हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए करता रहा है। हमास की मेट्रो कही जाने वाली ये सुरंगें 2014 में इसराइल और हमास के बीच हुए एक संघर्ष के बाद बनाई गई थी। गाजा पट्टी में कई किलोमीटर तक फैली इन सुरंगों को बनाने का उद्देश्य था इसराइल के विमानों को चकमा देना और हथियारों को सुरक्षित रखना, पर इसे इसराइल ने तबाह कर डाला है। इसराइल के गुस्से को देखकर लग रहा है कि वो इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।